नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात के वडोदरा में एक अनोखी शादी देखने को मिली है और इस शादी को देखकर हर कोई हैरान है। जिस तरीके से गुजरात के वडोदरा में 24 साल की क्षमा विद्धु ने खुद से ही शादी कर ली है। क्षमा पहले 11 जून को शादी करने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम विवाद उनकी शादी को लेकर चल रहे थे, उन तमाम विवादों से बचते हुए उन्होंने पहले ही शादी कर ली। इस दौरान हल्दी से लेकर मेहंदी और यहाँ तक की मांग करने की रस्म भी क्षमा विद्धु ने खुद ही की, और इतना ही नहीं मंगलसूत्र भी खुद ही पहना। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्षमा विद्धु की शादी करवाने के लिए कोई भी पंडित तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने खुद ही मोबाइल पर मंत्र का जाप करते हुए 7 फेरे लिए। तो इस तरीके से ये अनोखी शादी गुजरात के वडोदरा में देखने को मिली है। आपको बता दें, वडोदरा के गोत्री इलाके में रहने वाली क्षमा की शादी में उनके कुछ खास दोस्त भी शामिल हुए। तमाम शादी से जुड़ी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। शादी के बाद क्षमा ने हनीमून के लिए गोवा को चुना है और वहां 2 हफ्ते तक वो रहेंगी। इस शादी को लेकर हालांकि कई तरह के विवाद भी देखने को मिले। कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया, क्योंकि अपने आप में एक बेहद अनोखी और बेहद हैरान करने वाली ये शादी कि किसी लड़की ने खुद से ही शादी की है। दरअसल इस पूरे विवाह को लेकर क्षमा विद्धु का बयान सामने आया है। ये विचार मेरे दिमाग में बचपन से ही था। ये विचार को लेके मैं बहुत ही खुश थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था इसको हकीकत में पॉसिबल हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब मैंने गूगल पे सर्च किया कैन आई मैरी माई सेल्फ, तो मुझे सोलोगैमी के कंसेप्ट के बारे में पता चला। और जब मुझे सोलोगैमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से शादी किया जाए। आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कितना से, पर कैसे कन्विंस हो, क्योंकि पेरेंट्स को सुन के भी ऐसा लगा का ये क्या चीज़ है। पेरेंट्स को कन्विंस करने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज मैं बचपन से ऐसी अतरंगी चीज़ें करती हुई आई हूँ, तो उनको पता ही था मैं दुनिया समाज से थोड़ी अलग हूँ। जब पेरेंट्स को मैंने बताया, शॉक हाँ वो ज़रूर हुए थे, पर बाद में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। मैंने लहंगा ख़रीदा, धोती ख़रीदा, कुर्ता ख़रीदा है मैंने, और साथ ही साथ मैंने शादी का जोड़ा ख़रीदा है जो कि लाल कलर का है। शादी की ज्वेलरी ख़रीदी है मैंने। रस्में सारी हिंदू मैरिज के हिसाब से होंगी, हल्दी मेहंदी और शादी होगी। क्षमा विद्धु का इस आत्मविवाह को लेकर कहना है कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनना ज़रूर मेरा सपना था, इसलिए मैंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। शायद अपने देश में सेल्फ लव का एक उदाहरण सेट करने वाली मैं पहली लड़की हूँ, ये क्षमा विद्धु की ओर से कहा गया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मेरे परिवार की ओर से भी मेरे माता पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने आत्मविवाह किया है। तो क्षमा विद्धु की यह शादी अब सुर्खियों में बनी हुई है कि कैसे एक लड़की ने खुद से ही शादी की। तमाम जो शादी की रस्में जिसके लिए जाहिर तौर पर एक पार्टनर की जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने खुद ही तमाम रस्में अदा की, फिर चाहे वो मेहंदी की रस्म हो, हल्दी की रस्म हो, यहाँ तक कि आईने के सामने खड़े होकर उन्होंने खुद ही मांग भर ली, मंगलसूत्र पहन लिया और इस तरीके से ये शादी जो है संपन्न हुई। और तो जिस तरीके से इस शादी को लेकर जहाँ एक तरफ लोग हैरान हैं कि इस तरीके की अनोखी शादी देखने को मिली है, तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो इसको लेकर क्षमा विद्धु का कहना है कि लोग इस तरह की शादी को सवाल भी उठा सकते हैं, वो इसे असंगत मान सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं भी मायने रखती हैं। लोग उस इंसान से शादी करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए आत्मविवाह किया है, कि उनका कहना है। आपको ये बता दें कि क्षमा विद्धु पुणे स्थित एक कंपनी के वडोदरा स्थित आउटसोर्सिंग ऑफिस में काम करती हैं। साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने MS यूनिवर्सिटी से वडोदरा में BA किया है, तो पढ़ी लिखी है क्षमा विद्धु, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद से शादी की है उसको लेकर फिलहाल वो चर्चा में है, और यही वजह है कि ये शादी भी फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर कुछ लोग क्षमा विद्धु के इस राय से, इस निर्णय से हैरान हैं। तो कुछ लोग ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि विवाह जो कि एक पवित्र बंधन होता है, ऐसे में क्षमा विद्धु की ओर से उसका इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फिलहाल क्षमा विद्धु गुजरात की वडोदरा की रहने वाली हैं, जो कि फिलहाल अब अपने इस सेल्फ विवाह कह सकते हैं, इसको लेकर सुर्खियों में बनी हुई है।
आपको ये भी बता दें कि क्षमा बिंदु मूलतः केंद्र शासित प्रदेश दमन की रहने वाली हैं, लेकिन वडोदरा के सुभानपुरा क्षेत्र में वो फिलहाल रहती हैं और नाम के साथ सरनेम की बजाय बिंदु शब्द का वो इस्तेमाल करती हैं। क्षमा बिंदु ने कहा है कि एक वेब सीरीज के इस डायलॉग का मुझ पर गहरा असर हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सरनेम बिंदु कर लिया। तो इस तरीके से उनकी तरफ से इस पर भी बयान दिया गया है। तो फिलहाल क्षमा अपने इस विवाह को लेकर सुर्खियों में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।